हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मूंगफली। ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है और इसे आप ज़्यादा मात्रा में बना के इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर इसे चाय के साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 3/4 कटोरी बेसन। बेसन आप आधा कटोरी, एक कटोरी जो भी ले सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं है। और इसे हम चाल लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाएं। और इसे हमने चाल लिया है। एक बाउल में हम बेसन को रख लेंगे। ये हमने अलग बाउल में एक निकाल लिया है। यहाँ हमने लिया है 300 ग्राम के लगभग मूंगफली और इसे हम पानी से अच्छे से धो देंगे। इसे अच्छे से धो देंगे ताकि जब हम इसमें मसाले मिक्स करें तो मसाले इसमें आसानी से चिपक जाएंगे। और ये अच्छे से भीग चुका है और अब हम इसे रख देते हैं अलग। ये देखिए, थोड़ी देर में पानी पूरा निकल गया है और ये अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो सकें। अब चलते हैं मसाले मिक्स करने। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच बेसन। अभी हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। तो 2 चम्मच बेसन है और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला, और ये आधा चम्मच चाट मसाला। और अब हम मिलाएंगे 2 चम्मच लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट। ये 3 लाल मिर्चे के साथ हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और अब मिला देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। तब तक हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम चलते हैं मसाले मिक्स करने। ये सभी सामग्री को हम मूंगफली के दानों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 चम्मच की सहायता से इसे हम चला चला के मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा बेसन और लेंगे और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से हम पानी डालते जाएंगे ताकि जो ये बेसन है और मसाले हैं वो मूंगफली के दानों में अच्छे से कोट हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। और इस तरह से हम थोड़ा सा टैप करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट और आसानी से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है। और यहाँ मूंगफली के दानों में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो हमें बिल्कुल इसी तरह का मिश्रण चाहिए, न तो बहुत गाढ़ा और न ही बहुत पतला। और यहाँ कुल बेसन में से ये 2-3 चम्मच बेसन बच गया है। तो चलते हैं तलने। ये तेल गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं। एक मूंगफली के दाने हमने डाल दिए हैं और देखिए ये कितने अच्छे से तल रहे हैं। तो अब बाकी के मूंगफली के दाने भी हम इसी तरह से डाल देंगे। हाथ की सहायता से उसे हम एक एक करके डालते जाएंगे। अगर थोड़े से चिपके हुए भी हैं तो कोई बात नहीं, ये चलाते समय ये आसानी से अलग हो जाते हैं। और जितना तेल में आ जाए उतनी मूंगफली हम इसमें डाल देंगे। और ध्यान रहे, आंच को मीडियम रखना है और बस इसे तलते जाना है। बहुत ही करारे बन के तैयार होंगे। देखिए, अब हल्का हल्का सा सिक चुका है और ये कलर चेंज होने लगा। तो अब इसे हम अच्छे से पलट पलट के सेक लेते हैं। और देखिए, इस तरह से हम चलाते जाएंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो सारे मूंगफली के दाने अलग अलग हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा सा सिक के तैयार होगा।
तो यहाँ देखिए पहले बैच की ये मसाला मूंगफली तल चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम तेल से अलग कर लेते हैं और ये बहुत ही करारी सी, कुरकुरी सी, चटपटी मसाला मूंगफली बनके तैयार हुई है। और इसी तरह से हम बाकी की मसाला मूंगफली भी तल लेंगे। तो आप भी इसी तरह से एक बार मसाला मूंगफली जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी मसाला मूंगफली कैसी बनी है। और ये देखिए हमने तेल से बिल्कुल अलग कर लिया है और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की जो मूंगफली है उसे भी तल के तैयार कर लेंगे। और ये भी हमने तल लिया है तो इसे निकाल लेते हैं। और आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना के और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो अब यहाँ पर ये सारी मूंगफली तल के तैयार हो चुकी है और अगर आपको और चटपटी बनानी है तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्चा और मिला दीजिए, पर ये मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसे आप बनाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।